200 फीट ऊपर चढ़कर आए हैं तब जाकर यहाँ पहुँचे हैं। और अभी अगर ऊपर और महल है तो ऊपर जाने के लिए अभी और चढ़ना पड़ेगा। जोधा का मायका अकबर की ससुराल है, बहुत ही बढ़िया जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये जोधा अकबर, ये किला है जोधा, जोधा का मायका, जोधा अकबर की कहानी सुनी है ना आपने, अकबर की ससुराल, जैसे आप सबकी ससुराल होती है ना, ये अकबर की ससुराल है, ये जोधा का मायका, ये आमिर किला के नाम से मशहूर है, प्रदेश जयपुर है। कम से कम 50 फीट ऊंचाई पे हम लोग चढ़ चुके हैं, पहाड़ के ऊपर पूरा ये महल बना है, ये सब पहाड़ है। हम लोग कम से कम 150 फीट ऊंचाई से तस्वीर ले रहे हैं। अरे ऊपर चला और, ये महल जयपुर में स्थित है, ये अकबर की ससुराल है, जोधा, जोधा का मायका। इस वक्त 200 फीट की ऊंचाई पे हम लोग चढ़ चुके हैं, अब सामने थोड़ी देर बाद ऊपर जोधा का महल है, जो जोधा जहाँ रहती थी, जोधा का मायका यही वाला है। बहुत ही मेहनत के बाद हम लोग महल के करीब तो आ चुके हैं, ये है महल। वाओ, कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है। हम आपको यहाँ आकर, अगर इस जगह पे नहीं आए, अगर जयपुर में आना हो तो ये महल ज़रूर देखना, ये अकबर की ससुराल है। जोधा अकबर की जो बीवी थी जोधा, यहीं जोधा रहती थी, अकबर की शादी यहीं से हुई थी। ये देखिए चारों तरफ हम दिखा रहे हैं महल को, ये गेट है,
इस गेट से आना अंदर और फिर ये महल मिलेगा आपको, बहुत ही बड़ा महल है। ये पहाड़ पे स्थित है पूरा, ये पूरा महल पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। 200 फीट से ज़्यादा ऊपर चलकर जब आए हैं तब जाकर ये महल मिला है। और जहाँ जोधा रहती थी वो उधर ऊपर वहाँ शीश महल बना हुआ है, वो वहाँ सामने वो दिखाई दे रहा है। वहाँ जाने के लिए कुछ एंट्री फीस है, अभी देखता हूँ क्या है। उसमें ही जोधा रहती थी। इसमें ईंट नहीं लगाई गई है, सारा ये महल पत्थरों चूने का बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सालों से खड़ा है ऐसे ही। क्या बात है, यहाँ नहीं आया तो कहीं नहीं है। अगर जयपुर में आना कभी तो यहाँ जरूर आना। इसे इसमें घूमने का कोई टिकट भी नहीं है। दो सौ फीट ऊपर चढ़कर आए हैं तब जाकर यहाँ पहुँचे हैं। और अभी अगर ऊपर और महल है ऊपर जाने के लिए अभी और चढ़ना पड़ेगा। देखते हैं ऊपर और क्या है, चलते हैं ऊपर के और ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ये है शीश महल। वो अंदर शीश महल है, अगर इस शीश महल को देखने हो तो देखिए। हम आपको बैक कैमरे से, आपको ये महल बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, कितना सुंदर महल है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये महल पहाड़ के ऊपर बना है, ज़मीन से 250-300 फीट ऊपर बना है ये महल। इस पर आने के लिए 1 घंटे का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ेगा आपको, तब जाकर इतने ऊपर आ पाओगे ये महल देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत महल है, कहा जाता है कि ये अकबर का ससुराल है, जोधा का मायका। हम लोग अजमेर को जा रहे थे, जयपुर रास्ते में पड़ा है, वहाँ रुककर इस महल को देखेंगे। और यहाँ जयपुर में कई चीज़ें हैं, जैसा कि चिड़ियाघर हो गया, ये महल है एक, और कई जगह हैं जहाँ घूमने के लिए है। वो दूर कुछ बना है, हम्म।